आज रिएक्शन में देखेंगे सामुरे कोकब्रुक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो 2022 ड्राविड रियांग एंड सेलेना रियांग गोविंद अचोर की। ये वीडियो का टाइटल है। मैं आपका दोस्त संजय और मैं कविता। नमस्कार। खुलू मखा स्वीकार करे इंडियन रिएक्शन नोरुक जो तोनो लामसोगो। और वीडियो पे जाने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो GD प्रोडक्शन का है और इस वीडियो का भी सारा क्रेडिट उनके चैनल का ही रहेगा। उनके चैनल का ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओरिजिनल वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम का लिंक ये रहा, तो प्लीज़ इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। तो पहले वीडियो देख लेते, बातें बाद में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। CD प्रोडक्शन प्रेजेंट वट्टर। ये मस्त सीन है। अरे भाई को बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। बड़े दिनों के बाद Sorgo saca a tu pino, Javier Iguano. Sorgo saca.
अच्छा प्रोड्यूसर है भाई गोविंद आर्य तो गाइज ये था म्यूज़िक वीडियो, जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा फंटेस्टिक था। खासकर कॉमेडी सीन्स इतने ज़्यादा बेहतरीन थे। प्रोड्यूसर साहब जो खुद इसमें काम कर रहे हैं गोविंदा भाई, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग लगी उनकी उनके एक्सप्रेशंस और वो छोटा सा पौधा था उसके पीछे छुप रहे थे वो मुझे बहुत पसंद आया। वो पार्क वाले सीन जो दूर से ऐसा पीछा करते हैं और नींद में चलने वाला सीन, और मतलब कोई भी बाप की बात करे तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी बेटी मतलब बहुत अच्छे लड़के के साथ घूमे या फिर उसकी शादी बहुत अच्छे लड़के के साथ हो। और वो उनके पैंट के बारे में जैसे कमेंट्स करते हैं वो भी बहुत फनी था। उसके बाद जो सेलेना मैम है वो ऑब्जर्व करती है कि नहीं ये इसकी फैशन की वजह से प्रॉब्लम है, तो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम उनको भेज देती है। इतना छोटा सा ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम इतने बड़े बैग में भेजती है उनको और वो पहन के आते हैं, उसके बाद उनका मन पिघलता है। बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है एक्चुअल में, और इस सॉन्ग के लिरिक्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए। बात करेंगे म्यूज़िक की तो कमाल का म्यूज़िक था, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला, और मैं गर्दन ऐसे ऐसे करके डांस कर रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। सिंगर्स बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज़ है भाई, और धुन सॉन्ग की मुझे बहुत पसंद आई। बात करूंगा द्राविड भाई की, बहुत दिन बाद उनको देखने को मिला और कमाल की एक्टिंग रही। उनके एक्सप्रेशंस, उनके बॉडी लैंग्वेज बहुत मज़ा आया, उनका डांस देख के भी। सेलेना मैम कमाल की एक्टिंग की आपने भी, और जो कॉस्ट्यूम में उतनी जो कॉस्ट्यूम यूज़ किए हैं बहुत ही मज़ेदार थे, और ख़ासकर सेलेना मैम के कॉस्ट्यूम्स बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी कॉस्ट्यूम में, और उतनी ही ब्यूटीफुल एक्टिंग भी की उन्होंने। पर मुझे सबसे ज़्यादा गोविंदा भाई पसंद आया इसमें, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे और मज़ा आया उनके एक्टिंग देख के। कविता की तरफ चलते, उनको पूछते कि उनको कैसा लगा ये सॉन्ग। मुझे ये सॉन्ग बहुत बहुत पसंद आया, क्योंकि ये भी सॉन्ग बहुत कॉमेडी था। सर और मैम इतने ब्यूटीफुल दिख रहे थे, मुझे बहुत पसंद आए। दोनों ने एक से एक बढ़कर एक्टिंग की है, डांस भी बहुत सुंदर किया है, मुझे बहुत पसंद आया। और मैम इतनी सुंदर दिख रही थी ना, मतलब उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है और सर भी बहुत सुंदर दिख रहे थे। उन्होंने भी उनके मतलब क्या उन्होंने जो एक्टिंग की है, उनके जो एक्सप्रेशन थे, मुझे बहुत पसंद आए सर के। जैसे वो मतलब प्रोड्यूसर है सर जिन्होंने वीडियो में सॉन्ग में काम किया है, तो उनकी भी एक्टिंग सर की भी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई है। सर के और मैडम के कॉस्ट्यूम भी बहुत अच्छे थे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। और सॉन्ग में जो भी लोकेशन यूज़ किया है, वो गार्डन घर का, खासकर घर का यूज़ इतना ब्यूटीफुल रहा है, वो बंगलो का यूज़ बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे वीडियोग्राफर जो सिनेमाटोग्राफर है उन्होंने बेहतरीन काम किया है, इतने ज़बरदस्त कैमरा एंगल्स लगते हैं इस पूरे सॉन्ग में, अट्रैक्टिव बना देता है सॉन्ग को। और मेकअप टीम, कॉस्ट्यूम टीम, उनका काम भी बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। और एडिटर साहब, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उनके काम में। डायरेक्टर फैबुलस, नंबर वन काम है डायरेक्टर साहब आपका। इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट और इतना ब्यूटीफुल मैनेजमेंट लगा इस पूरे सॉन्ग में, कहीं पे कुछ कमी नहीं था, एकदम ज़बरदस्त सॉन्ग था। तो हमें बहुत पसंद आया गाइस ये सॉन्ग, आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद।